हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कौन से कलर के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है और उनका इस्तेमाल कहाँ और क्या होता है। सफ़ेद रंग के सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भरी होती है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो मैक्सिमम सभी जानते हैं। काले रंग के सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल खाने को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में भी बहुत इस्तेमाल होता है। ब्राउन कलर के सिलेंडर में हीलियम गैस भरी जाती है, हीलियम गैस बहुत ही हल्की होती है इसलिए यह बैलून्स गुब्बारों में भरी जाती है। रेड कलर के सिलेंडर में एलपीजी गैस भरी जाती है, एलपीजी गैस जो हम घरों में यूज करते हैं, और रेड कलर के सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस भी भरी होती है जो अन्य गैस के साथ मिलकर ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है, और हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल वनस्पति घी के निर्माण में भी किया जाता है। मारून कलर के सिलेंडर में एसिटिलीन गैस भरी होती है जो आम और फलों को पकाने के लिए काम आती है और वेल्डिंग कार्य में भी इस्तेमाल की जाती है। रेड, येलो, ब्लैक कलर के सिलेंडर में अमोनिया गैस भरी होती है जो खेतों में यूरिया डाला जाता है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, और बर्फ बनाने के कारखानों में भी ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है। येलो कलर के सिलेंडर में क्लोरीन गैस भरी होती है, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल पानी को साफ करने के लिए किया जाता है और सीएफसी में प्रयोग करते हैं जो फ्रिज में गैस यूज होती है। ब्लू कलर के सिलेंडर में आर्गन गैस भरी होती है, आर्गन गैस का इस्तेमाल ज्यादातर वेल्डिंग और अन्य जगह जहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है वहाँ पर आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, और ग्रेफाइट बिजली की भट्टियों में भी आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में और दसवें नंबर पर है ग्रे कलर के सिलेंडर। ग्रे कलर के सिलेंडर में CO2 गैस भरी होती है, CO2 गैस को ड्राई आइस भी कहते हैं। यह विशेष रूप से ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होती है और यह बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना जिससे वे भी अलग अलग कलर के सिलेंडर के बारे में जान सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में।